नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पैसा एक ऐसी चीज़ है जिसकी भूख किसी के लिए कभी ख़त्म नहीं होती है। अमीर और अमीर, गरीब ज़्यादा अमीर बनने की खोज में लगा रहता है, और ऐसी ही एक खोज में लोग सदियों से लगे हुए हैं, खजाने, या जिनको हम छुपे हुए खजाने भी बोलते हैं। और इनकी खोज में लोग सदियों से लगे हुए हैं। पुराने समय के राजा महाराजा पूरी दुनिया में अपने बेशकीमती खजानों को दुश्मनों से बचाने के लिए कहीं ना कहीं छुपा देते थे, और उन खजानों का पता आज तक कोई भी नहीं लगा पाया है। आज हम आपको ऐसी ही भारत में छुपे कुछ बेशकीमती खजानों के बारे में बताने वाले हैं। जब किसी राजा महाराजा को लगता था कि उसका खजाना लूटा जा सकता है, या उसकी हार होने वाली है, या जब कोई राजा महाराजा खजाने जीतकर आता था तो वह अपने खजानों को कहीं ना कहीं छुपा देता था, जिससे कोई भी उन तक ना पहुंच सके। ऐसे ही कुछ खजाने भारत में भी छुपाए गए थे, जिसमें से कुछ खजानों का पता लगाया जा चुका है और कुछ का अभी तक कुछ भी पता नहीं लगा है। पद्मनास्वामी मंदिर के तहखाने। त्रिवेंद्रपुरम केरला के श्री पद्मनास्वामी मंदिर को अंतर्राष्ट्रीय पहचान तब मिली जब 2011 में इस मंदिर में बने तहखानों में से एक तहखाने को खोला गया। तहखाने के खुलने के बाद अधिकारियों को खुद पर यकीन नहीं हो रहा था। उनके सामने जो दृश्य था उसकी कल्पना उन्होंने कभी नहीं करी थी। तहखाने में गहने, मुकुट, मूर्तियां, यहाँ तक कि रोजाना में इस्तेमाल होने वाले बर्तन भी दिखाई दे रहे थे, लेकिन वे सभी के सभी चीजें सोने की बनी हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस खजाने की कीमत $22 अरब आकी गई थी, भारतीय पैसों के हिसाब से लगभग 1,50,000 करोड़ रुपए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तहखानों को खोलने पर रोक लगा दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि जब तक पहले तहखाने की कागजी कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती है, तब तक दूसरे तहखाने को खोला नहीं जाएगा। लोगों का मानना है कि दूसरे तहखाने की रक्षा बहुत सारे नाग कर रहे हैं, और इसके अंदर का खजाना पहले वाले तहखाने से भी ज्यादा है। नादिर शाह का खजाना। नादिर शाह ने सन 1739 में भारत पर हमला किया और जीत के बाद दिल्ली पर कब्जा कर लिया। इस हमले के बाद नादिर शाह पूरी दिल्ली को लूट कर ले जा रहा था, जिसमें मयूर तख्त और कोहिनूर का हीरा भी शामिल था। लेकिन कहानियों के मुताबिक माना जाता है कि वापसी के दौरान नादिर शाह अपने सारे खजानों पर पूरी तरह नजर नहीं रख पाया, और नादिर शाह के ही बड़े अधिकारियों और शिल्प सलाहकारों ने इस खजाने का काफी हिस्सा छिपा दिया, जिसकी खोज आज भी चल रही है। राजा मान सिंह का खजाना। मान सिंह प्रथम अकबर के दरबार में एक ऊंचे पद पर थे। 1580 में मान सिंह ने अफगानिस्तान पर जीत हासिल की। माना जाता है कि जीत में मिले खजाने को मान सिंह ने किसी स्थान पर छिपा दिया था। इस खजाने का प्रमाण इस चीज से भी मिलता है कि आजादी के बाद इमरजेंसी के दौरान तत्कालीन सरकार ने इस खजाने को खोजने के आदेश भी दिए थे। आधिकारिक रूप से यह खजाना अभी भी किसी कहानियों का हिस्सा बना हुआ है, और अभी भी इसको खोजना बाकी है। सोनभद्र की गुफाएं। ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में बिम्बिसार मगध का राजा था। माना जाता है कि बिहार के राजगीर में बिम्बिसार का खजाना छुपा हुआ है। राजगीर में सोनभद्र नाम की एक गुफा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें बिम्बिसार का बेशकीमती खजाना छुपा हुआ है, जिसे आज तक कोई भी नहीं खोज पाया है। सोनभद्र गुफा में प्रवेश करते ही पहले 10.5 मीटर लंबा, 5.5 मीटर चौड़ा और 1.5 मीटर ऊंचा एक कमरा है। कहते हैं कि यह कमरा उन सैनिकों के लिए बनवाया गया था जो उस खजाने की रक्षा करते थे। इसी कमरे के पिछली दीवार पर एक दरवाजा है जो इस खजाने तक पहुंचा सकता है, लेकिन इस दरवाजे को इस तरीके से बंद किया गया है कि इसको आज तक कोई भी नहीं खोल पाया है। गुफा की एक दीवार पर शंख लिपि से कुछ लिखा हुआ है, जिसको आज तक कोई भी पढ़ने में कामयाब नहीं हो पाया है। माना जाता है कि इस लिपि को पढ़कर ही इस दरवाजे को खोला जा सकता है। कहा जाता है कि इस दरवाजे को खोलने के लिए अंग्रेजों ने भी बहुत सारे प्रयास किए थे। यहाँ तक कि अंग्रेजों ने इस दरवाजे को खोलने के लिए तोप तक का भी इस्तेमाल कर दिया था, लेकिन वह फिर भी नाकामयाब रहे। अंग्रेजों द्वारा तोप का इस्तेमाल किए जाने का निशान आज भी इस दरवाजे पर मौजूद है। दुनिया भर में ऐसी बहुत सी जगहें हैं जहां पर बेशकीमती खजानों को छुपाया गया है, और इनकी खोज में लोग सदियों से लगे हुए हैं, और आने वाले समय में भी बहुत से लोग इन खजानों की खोज में लगे रहेंगे।